हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस सपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साथ गूगल फॉर्मूले की। जी हां, गूगल सीट की इस वीडियो सीरीज चल रही है। गूगल सीट की वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे गूगल सीट के एरर, गूगल फॉर्मूले के, गूगल कैटेगरी के जो फॉर्मूले, उन फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है एरे फॉर्मूला। ये गूगल में जब इसमें एरे क्या होता है, चीज को पहले जान लेते हैं। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 हमने ऐसे मैनुअली टाइप किया, इसके जगह पे हम कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 टाइप करके एंटर मारेंगे, तो वो जो है इस तरह से आ जाए, इस तरह सिक्वेंस में आ जाए। इसी को एरे फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, चलिए इसका बेनिफिट आपको हम समझाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सुजीत टाइप किया हुआ है, मुझे अपने नाम का हर लेटर इस तरह से अलग अलग सेल मिल जाए। तो इसके लिए अगर हम मैनुअल फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा मिड का फॉर्मूला। मिड के फॉर्मूले में हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, नेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट नंबर 1 और नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 डाला, तो यहाँ पे देखिए एस आ गया। फिर वापस मिड के लिए, वापस मिड लगाएंगे यू के लिए, हमने सुजीत को सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 2, नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, एंटर। अगेन सेम MID मिड, हम नेम को सिलेक्ट किए, स्टार्टिंग नंबर 1, 1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3, 3, और नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 होगा, जी आ गया। ऐसे ही मैं बाकी सब में लगाऊंगा ताकि हर लेटर अलग अलग आ जाए। अब देखेंगे फॉर्मूले में जो है सब फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर का जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को अलग अलग आपको लिखना है। अब यही भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आपने देखा कि इसके लिए हमने कितना लंबा फॉर्मूला लगाया, मतलब कि हम कई सारे सेल पे फॉर्मूला लगाए। इसी चीज को हम एरे में बड़ी आसानी से कर देते, हम लिखते मिड और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप कर देते और यहाँ पे हम मार देते नंबर फैक्टर, देखे जस्ट एंटर। एंटर प्रेस करते ही आप देखते आपका पूरा आ गया। लेकिन एंटर प्रेस करने से हुआ नहीं, इसके लिए हमें कंट्रोल से एंटर प्रेस करना होता, तब तो जाके एरे फॉर्मूला में कन्वर्ट होता, उसके बाद रिजल्ट आता। तो जो एरे फॉर्मूला में, जो हम एक्सेल पे कंट्रोल सिर्फ एंटर प्रेस करते थे, उस केस में होता है। अब आप डायरेक्ट एरे फॉर्मेट यूज करते हैं तो आपको कंट्रोल सिर्फ एंटर मारने की जरूरत है। जैसे कि आपने देखा कर्ली ब्रैकेट पे टाइप करना तो तुमने लिखा और ले लिया, लेकिन इसी चीज को जो हमने फॉर्मूला में यूज किया तो हमें क्या करना पड़ा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जब कंट्रोल शिफ्ट एंटर टाइप करेंगे तो ये एरे फॉर्मूला में ले देगा, या फिर डायरेक्ट आप एरे फॉर्मूला में ही लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर्स है, मुझे इस नंबर्स को आपस में सम करने हैं, 5 + 4 + 8 + 5 + 4 इस तरह से। तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे सम, सम के अंदर हम देंगे मिड, मिड भी इसको सिलेक्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, हमने 5 दे दिया और यहाँ पे हम दे देते 1। और मिड का फॉर्मूला रिटर्न करेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करके इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर आपस में एंटर मारेंगे, तो रिजल्ट सिर्फ 5 आ रहा है, पूरा रिजल्ट नहीं आया। पूरा रिजल्ट कब आएगा, जब आप उसको एरे फॉर्मूला में डाले या कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और एरे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ले लेता है, तब देखेंगे कि इसका रिजल्ट 26 आ गया। अब एक फॉर्मूला हमारा सीक्वेंस का भी था, सीक्वेंस फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इस पर इसको देखते हैं। और सीक्वेंस फॉर्मूला को एरे में क्या जरूरत है, जैसे कि सीक्वेंस में हमने दे दिया 2, 2, 1, 1, क्या आएगा,
देखो, 1 2 3 4 का मतलब एक क्या हुआ कि सिक्वेंसिंग क्रिएट करता है। तो हमने बोला यहाँ पे दो दो रो एंड दो कॉलम, मतलब दो कॉलम में चलना है और दो रो में चलना है, और यहाँ पे हमने बोला स्टार्ट वन से करना है और स्टेप भी वन रखना है। तो यहाँ पे हम जो मिड वे जो सिक्वेंस नंबर में लिखे हैं ना, इसको हम सिक्वेंस फॉर्मूला में डाल सकते हैं। सीक्वेंस फॉर्मूला के अंदर हम डालेंगे और बोलेंगे कि हमें 5 रो चाहिए, एक कॉलम चाहिए, एक से स्टार्ट करना, एक ही स्टेप रखना और एंटर प्रेस। क्योंकि एरे को जो चाहिए था 1 2 3 4 5 6 वो यहां से इसको मिले, सिंपल। अब इसको ऑटोमेट करने के लिए यहाँ जो 5 है, इस 5 पे हम लेन का फॉर्मूला लगा के और इसका लेंथ दे देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये फुल्ली ऑटोमेट हो जाएगा। जी हाँ, एक फुल्ली ऑटोमेट हो। अब यहाँ पे डिजिट बढ़ेगा घटेगा तो ये अपने आप से अपने आप को बढ़ा घटा देगा। सीक्वेंस फॉर्मूला ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज हम लोग वी लुकअप में भी करते हैं, देखा हो आपने, कर्ली ब्रैकेट में करते थे। ऐसे और भी चीजों पर इसका यूज हम करते हैं जहां पे हमें सीक्वेंस चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने फाइनेंशियल फॉर्मूला बताया था, फाइनेंशियल फॉर्मूला में हमने आपको ईएमआई कैलकुलेट करना सिखाया था। जैसे हमने बोला यहाँ पे कि प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 है, रेट मान लीजिए 5% है, टाइम 3 साल का है, मुझे इसकी ईएमआई निकालनी है। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था पीएमटी फॉर्मूला। पीएमटी फॉर्मूला क्या करता है, ईएमआई निकाल देता है। पीएमटी पीएमटी में रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, टाइम को बनाए मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और फिर हम अपना प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल को ले लेंगे, तो 1499 रुपये का ईएमआई बना। अब मान लीजिए कि 3 महीने का, 3 साल का था, 36 महीने का था। अब कोई आता है बोलता है मैंने 20 महीने पैसा जमा कर दिया, मतलब वो बोलता है कि मैंने आपका 1498 रुपये जमा कर दिया, सॉरी 1498 के हिसाब से 29,970 जमा कर दिया, मतलब आपका जो 11,000 बचा है, 21,000 बचा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें इससे इंटरेस्ट भी तो ऐड है हर महीने के बीच में, तो मुझे बताना होगा कि 20वें महीने पे आपका कितना इंटरेस्ट था, कितना इंटरेस्ट जमा हुआ और कितना प्रिंसिपल जमा हुआ और टोटल कितना जमा हुआ है, ये कैलकुलेट करके देना है। मान लीजिए तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में इसके लिए हम यूज करेंगे आईपीएमटी फॉर्मूला। आईपीएमटी फॉर्मूला हमारा जो रेट है 5% का रेट है, तो रेट को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 12 से, पीरियड पीरियड हमारा 20 है, लेकिन ये 20 करेंगे तो 20वां महीना का दिखाएगा कि 20वें महीने के लिए ईएमआई था, लेकिन 1 से 20 तक का नहीं दिखाएगा। उसके लिए यहाँ पे हमें दो तरीके, एक तो सीक्वेंस इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 कॉमा कॉमा करके आप डाल दीजिए इस तरह से, या दूसरा आप इसमें यूज कर सकते हैं सीक्वेंस फॉर्मूला। सीक्वेंस सीक्वेंस में हमने बोला कि एक ही रो चाहिए हमें 20, एक ही कॉलम चाहिए, स्टार्ट 1 0 और स्टेप भी 1 हो। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, डालने की जरूरत नहीं हमें 1 1 लास्ट में। पीरियड हमने डाल दिया और ये जो तो यहाँ पे कॉमा कर दिया नंबर ऑफ टाइम, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से और फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू ले, एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो रिजल्ट करेगा मल्टीपल वैल्यू, इसको कैरी करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो कैरी करने के लिए हमें यूज करेंगे सम। क्योंकि आपका जो एरे फॉर्मूला का रिजल्ट है हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला ही रिसीव करता है, तो ये रिजल्ट नहीं दे रहा है क्योंकि एक दे रहा है। इस पे जब हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये एरे फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि इसमें हमने 3119 रुपये का डाला हुआ है। अब जो 20 जो हमने मैनुअली टाइप किया है, इस 20 को हम क्या करेंगे,
इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये ऑटोमेट होगा कि मैं 40 करता हूँ तो 40 तो है ही नहीं, 36 ही तक है, 36 इस तरह से। तो एरे फॉर्मूला, देखिए एरे फॉर्मूला एक एग्जांपल इसके लिए काफी नहीं है और 100 एग्जांपल भी कम है अगर आपको इसकी कंसेप्ट समझ में नहीं आती। कि एक्सेल की क्लासेस में हम एरे फॉर्मूला को बहुत ही विस्तृत रूप से बताते हैं, लेकिन गूगल सीट में एरे को हम इतना ही रखेंगे, लेकिन आगे चल के आगे की क्लासेस में हम एरे को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।